इंडियंस को स्ट्रगल करनी पड़ी देयर आर अदर प्लेसिज इन दल्ड वे आर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी दुनिया में और भी बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है यू नाउ नो दैट द मेन फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी इज देट द पीपल हैव द पावर टू अलेक्ट देअर लीडर्स आपको पता है डेमोक्रेसी का मेन फीचर है कि लोग अपना लीडर चुनते हैं बाय वोट ये लोगों को पावर दिया जाता है पावर होता है लोगों के पास सो इन ए सेंस ए डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी रूल करते हैं लोग खुद अपना लीडर चुन के वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो आगे जाके हमारे लिए डिसीजंस लेता है हमारे लिए लाभ बनाता है पूरे एंटायर कंट्री के लिए मिलजुल के द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल दैमसेल्व्स बाई पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दिज रूल्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज इन रेप्रजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इनस्टर्ड चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो क्या करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव बाय इलेक्शन प्रोसेस वो चूज करते हैं दिस रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये ये डिसीजंस लेते हैं और ला बनाते हैं पूरी एंटायर पॉपुलेशन के लिए सबके लिए दिस डेज ए कैन नॉट कॉल इट सेल्फ इट अलाउज दैट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिस मीन्स इसका मतलब है कि एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट एडल्ट जो 18 साल से ऊपर की एज के होंगे 18 साल के बाद उनको अलाउ है वोट डालने के लिए वो वोट डाल सकते हैं बट इट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस मगर हमेशा ऐसा नहीं था कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज ए टाइम वेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पोअर टू पार्टिसिपेट इन अलेक्शन्स एक टाइम ऐसा भी था गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी औरतों को और गरीब लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं देती थी इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन शुरू के दौर में गवर्नमेंट सिर्फ मर्दों को जिनको प्रॉपर्टी होती थी जो एजुकेटेड होते थे वही वोट डाल सकते थे दिस मैंट वुमेन द पुअर द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वी आर नॉट अलाउड टू वोट जो लोग अनपढ़ होते थे जो लोग गरीब होते थे जो लेस होते थे और औरतें ये वोट नहीं डाल सकते थे द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड तो इसका मतलब है कि बहुत कम लोग मेजॉरिटी पे फ्यू लोग फ्यू पीपल बहुत मेजोरिटी पे रूल करते थे इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंस से पहले आजादी से पहले इंडिया में कुछ ही लोगों को वोट डालने की इजाजत थी एंड दे दियर फोर कम टूगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मैजॉर्टी तो जो कम लोग वोट डालते थे वो किसकी किस्मत बन जाते थे कम लोग बन जाते थे फ्यू पीपल बन जाते थे फेट ऑफ द मेजोरिटी मेजोरिटी लोगों की सबरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वी आर शॉकड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस कुछ लोगों को और गांधी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने डिमांड की कि सारे एडल्ट जो हैं उनको वोट डालने की इजाजत होनी चाहिए राइट टू वोट दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931। गांधी जी ने कहा एक जर्नल यंग इंडिया पेपर एक होगा उसमें 1931 में लिखा है आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया डैट ए मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड गेट द वोट एक आदमी जिसके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ वही वोट डाल सकेगा हु हैज गॉट करेक्टर बट नो वेल्थ जिसके एक आदमी जिसके पास करेक्टर है मगर वेल्थ नहीं है अनपढ़ है शुड हैव नो वोट और दैट ए मैन हु ऑनेस्टली वर्क्स बाय द स्वेट ऑफ ब्रो डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग ए पुअर मैन एक आदमी जो दिन रात पसीना निकाल कर मेहनत करके अपनी कमाई करता है उसका जुर्म है कि वो गरीब है वो वोट नहीं डाल सकता है का मतलब ये है कि जो आदमी गरीब है वो वोट नहीं डाल सकता है Thank you.